दोस्तों, आपने सबसे बड़ी सुनामी कब देखी थी? ज़्यादातर लोगों के जवाब आएंगे 2004 के दक्षिण एशियाई सुनामी या फिर 2011 की जापान सुनामी। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी सुनामी आई थी वो बहुत भयानक और डरावनी थी, या जापान सुनामी से हजारों गुना बड़ी थी। इसकी लहरें पहाड़ों की ऊंचाई जितनी थी। दोस्तों, आज हम आपको फिर से गजब की जानकारी देंगे। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो ऑलवेज आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ी सुनामी यानी इतनी बड़ी लहर है जो किसी पहाड़ से कम नहीं थी। इसकी वजह से जानवरों की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। धरती पर जीवन का नया चैप्टर शुरू हो गया, नई बायोलॉजी बनने लगी। लेकिन ये सुनामी आई कब थी? असल में ये कहानी कई करोड़ों साल पुरानी है। बात तब की है जब एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था। उसने ऐसी सुनामी पैदा की थी जो धरती पर अब तक आए सभी सुनामी से कई हजारों गुना बड़ी थी। दुनिया कुछ मिनटों में तहस नहस हो गई थी। यह खुलासा हाल ही में हुई एक रिसर्च में हुआ है। ये घटना थी उस एस्ट्रॉयड की जो युकाटन प्रायद्वीप में आकर टकराया था, जहाँ पर आज आधुनिक मेक्सिको है। इसे द चिक्सू लूप एस्ट्रॉयड कहते हैं। दोस्तों, रिसर्च में पता चला कि यह एस्ट्रॉयड हमारे सौरमंडल के बाहर से तेज गति में आया था। यह टक्कर इतनी तेज थी कि धरती के चेहरे पर निशान बन गया। साल 2021 में हुई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ था कि इस टक्कर में निकली तरंगों की वजह से धरती के ऊपरी लेयर में मेगा रिप्लस यानी महालहरें बन गई थी। आज इस जगह पर मध्यालुसियाना है। यह स्टडी हाल ही में एजीयू एडवांसेस में प्रकाशित की गई थी। दोस्तों, आशा है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।